एमपी में जिंदगी में पहली बार हमने आज पुलिस खर्च देखो, जिंदगी में पहली बार, नहीं इतना खर्च हम कभी ना देखें कि जो एक विशाल भाई गाड़ी में देखो ऊपर मोच को 15 देख वहाँ में वो लगा रखी लाइट, बताओ हमें नीचे से तार जा रहा है ऊपर जाकर लाइट बन रही है, बस देखे गाड़ी अपनी भर ली है, ये इतनी हाइट चेक करो लास्ट की धांग रहने, ये पूरी टेंशन वाली चीज़ रहे यार। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे दोस्तों और भाइयों। तो गाइस करते इस नए व्लॉग की शुरुआत। तो जैसे कि आपने पिछला व्लॉग तो देख लिया होगा कि हम थे उधर कहाँ, आज़ादपुर मंडी खाली करके आए थे और वहाँ से आ गए हम पलवल मंडी। ये है पलवल मंडी, तो यहाँ पलवल मंडी में आए हम क्रेट भरने। ये देखो अपनी क्रेट की लोडिंग चालू हो चुकी है, कि बहुत भाई बोल रहे थे कि भाई अंगूर का व्लॉग कब डालोगे, अंगूर कब चलेगा, तो अंगूर चालू हो गया है। इसको पहचानो, ये कौन है? तो ये अपना सोनू भाई। तो देखो अंदर से शक्कर गंदी पड़ी थी, इन सब को साफ़ करना अंदर से, तो फटाक सब इनको साफ़ करके तो अपनी गाड़ी की लोडिंग करते हैं शुरू यहाँ से, क्योंकि आधी क्रेट यहाँ से डलेंगी, आज फिर दूसरी साइड चलेंगे उधर से डालने क्रेट। तो अभी होशियार भाई भी आएंगे, उसके बाद क्रेट हैं बत्ता खाँचा भी लिया, तो अभी क्रेट डलने दो, दिखाएंगे आज फिर आपको फिर से फ्लाइट कितना हाइट में भरता है, फ्लाइट एकदम रेडी हो जाएगा ना, आपको पूरा कंटिन्यू दिखाएंगे। आप देखते हैं अपनी गाड़ी में कितनी क्रेट आती हैं, पिछले साल तो बहुत क्रेट ले गए थे, लेकिन इस साल कितनी क्रेट लेके जाएंगे, आधे इसी गोदाम से भरेंगी, आधे फिर दोबारा सब्जी मंडी उधर चलेंगे, क्योंकि अभी अनाज मंडी गोदाम है। तो यहाँ से अब निकालते हैं, यहाँ से पहले बार निकलने दो, जितनी क्रेट निकलेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्रेट लोडिंग चालू हो चुकी है, ये देखो महाकाल मार का डल रहा है, फट अभी नहीं हटाए, नीचे नीचे से माल आ रहा डल रहा फटाफट। अब देखो बार बाद जो हमारा इधर आप ऊपर हाइट लगाएंगे, देखते हैं यहाँ से कितने से गोदाम में कितना माल निकलता, जितने इसमें निकले कितने इसमें डालेंगे, बाकी तो वहाँ से परली साइड चलेंगे मंडी में, तो फिर बाकी लोड करेंगे उधर से, क्योंकि हाइट तो भरना इसमें फुल, कई बार एक क्रेट को छोड़ना भी पड़ेगा, तो होने दो एक बार लोडिंग, देखते हैं कितना हाइट लगेगा, जितना भी क्रेट आएंगे टोटल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चेक करिए हाइट, हाँ भाई सुनाना तो नप के दिखाइए, ऊपर बॉडी से ऊपर कितनी है बता, ये 8 फुट को छोरो भी छोटो छोरो छोटे पड़ को, ये तो बॉडी के ऊपर ऊपर है, बाकी गाड़ी तो नीचे है हमारे, यही तो सिस्टम है। अभी देख साइड से दिखाऊं, ये पूरी हाइट चल रही है, बाकी अभी नीचे चल कर दिखाएंगे, देख कितनी ऊँची हाइट जाएगी, भर गई गाड़ी, आप देख हाइट होगी इतनी, बाकी ये आधा एक बत्ता बच रहा, अभी एक बत्ता भरना के बाद अभी चलेंगे बाकी आगे मेन रोड पे, मेन रोड पर भरेंगे, क्योंकि अब तो गोदा वोदा निकालनी पड़े इधर उधर से, बाल ठाम टाँक रखो। तो अभी चलते हैं यहाँ से अगली वाली जगह, वहाँ से लोड करके नहीं फिर अपनी गाड़ी जाएगी बिल्कुल कम्प्लीट, फिर चलते हैं यहाँ से, तो चलें चलते हैं अगले वाले उस पर। इधर हाईवे पे ये देखो ऊपर 4 लाइन चल रही है, देख ये वाली क्रेट बच रही है, वो इतना सी जगह बच रही है, देखते हैं इसमें आएगी नहीं आएगी। ओ सर यार जगह तो थोड़ी सी बच रही है, अभी जाएंगे अब जम रही क्रेट, देखे तक भरने दो एक बार, फिर करते हैं वैसे त्रिपाल, देखते हैं कितनी आती हैं, बचेंगे और फूल टाल में रखेंगे जब आके। देखिए गाड़ी अपनी भर ली है, ये इतनी हाइट चेक करो लास्ट की धांग रहने, ये पूरी टेंशन वाली चीज़ रहे यार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिक्स रहे, अब देख कितनी रिस्क के साथ ये दोनों सबका सब काम कर रहा है, जब से कहीं मैं ऊपर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो भाग गया नीचे, मैंने कहा भाई मुझे नहीं करना ये, अब अपने खुद जमाओ, क्योंकि हमें क्रेडिट जमाने में बहुत मज़ा है, ऐसे वहीं खाली करना मैंने फिर लात मार के नहीं तो सब जब भगे नहीं चाहिए, तभी पट के नीचे फिर खाली करके थोड़ी देर में अभी मैं चलन देवर ऊपर हाइट,
इसके बाद करते कॉल कंप्लीट सोनू नीठ बचो अभी देखो ऊपर पत्थर वत्तर लगा के नहीं ढांग पूरी कंप्लीट कर आयो सोनू बताना है चैलेंज है कोई भर सके इस गाड़ी है दिल्ली में कोई जो भर दिए ना बोल 1100 रुपए की नाम है हमारी ओर से है ना तो भाई गाड़ी भर गई है अब चुपचाप चाप करें पर तिरपाल फेंक के नीचे अब मैं जाऊँ हम एक बार ऊपर ठीक है अब देख चढ़ेंगे वो रिस्क रहे यार बहुत ज़्यादा तगड़ो वाली थी हाइट पे यार बाबा 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 कहाँ चैलेंज ये हकीकत में इतनी हाइट भरना तो गाइस रस तिरपाल हो गए और अपना भाई है ये अपना भाई आए इधर संग का संगी ये रहे इनकी पिकअप क्योंकि इधर रोड पे लोड कर रहे हैं ना तो भाइयों की इधर दिख गए अपनी गाड़ी भाई से मुलाकात होगी संग संग यार और रस तिरपाल एकदम कर दिए ओके है ना देखो पीछे जाके दिखाता हूँ एक बार अभी ऊपर अरबा बांस पत्ते वगैरह बांध रहा ये बार देख पीछे दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छी बनाई है वैसे तो माशाल्लाह से ये देख करो इस तरह की तो भाई ये थी अपनी गाड़ी की लोडिंग तो अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं सीधा पीपल गांव के लिए क्योंकि अब परली शहर से अंगूर लेकर आना एक्सप्रेस यहाँ से एक्सप्रेस जाना क्योंकि कल की रात में अपन को पहुँचना बहुत ही धांस तरीके से ठीक है ना ये देखा भी आप रहे भाई अभी खींच रहे हैं फ़ोटो तो उसमें चल के निकले थोड़ी देर में भाई से मुलाकात करके नहीं फिर चले निकलेंगे सब फिर मिलेंगे भाई वहाँ से निकल कर आ लिए अभी अगर करवा लेते हम टंकी फुल पर देखते हैं कितने का डीजल आता है इसमें इसमें समथिंग डीजल आएगा 25-30 हज़ार का तो भरने दो टंकी को धीरे धीरे पड़ रही है सही तो भरने दो फिर बताता हूँ फुल डीजल आया 33 हज़ार का 365 लीटर ये 43 हज़ार से तो चल चलते हैं पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ننن مطلب پورے 100 کلومیٹر چلی گاڑی ابھی تک تو بھائی دیکھو دھند ابھی سے آنے لگ گئی ہے ابھی تو ٹائم بھی کچھ نہیں ہوا ابھی تو 8:30 بجے ہیں اور متھرا ہی پہنچے ہیں ابھی اور ابھی سے دھند آنے لگ گئی بتاؤ کیسے پہنچیں گے گاڑی ناسک بھائی دھند میں سبھی بھائی آرام سے چلائیں گاڑی کوئی ضروری نہ ہے टाइम को माल ना रहे तो मस्त सोकर आराम से धुंध पड़ते हैं जहाँ ना दिखे मस्त गाड़ी लगाओ साइड में एक अच्छे से होटल पर रोड से बिल्कुल साइड और फटकार सो दे रहे खड़ा होकर फिर 12 बजे आराम से शाम 4 बजे फिर धुंध पड़ जाए फिर सो जाकर दोबारा या हमारे धुंध में सोना सोना ही सो 10-5 दिन कोई फायदे ना अट बिट जा गाड़ी या हमारा अपने लगा कर सो साइड में अभी धुंध पड़ रही है कर रहे हैं मथुरा वथरा बार जहाँ तक चलेगी चलाऊंगा नहीं तो फिर सोऊंगा भाई ग्वालियर वालियर हो जाए तो बाहर यार तक कोशिश पूरी रहेगी पहुँच गए हैं सैया बॉर्डर पे धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है अब देखो अब भी थोड़ी कम होगी यहाँ क्योंकि यहाँ जैसे घर वर रहते हैं इधर थोड़ी कम हो जाए अब देखेंगे आरटीओ धुंध में भी खड़ा होऊंगा भाई धुंध मेरे को हमें इन्हीं को जब एक्सीडेंट हो सर हम नहाले हुए धुंध पड़ रही हैं तो कम से कम धुंध में तो गाड़ी ना रोके और देख ये देखो इनकी तो पार ही ना पड़े नहीं तो ये नो लगा लेगी कभी भी हमेशा नो जाने हैं तो बस एक मिनट भी बरसात हो जाए आंधी आ जाए तूफान आ जाए ना ये जब भी ना हट सके क्योंकि इन्हें तो आराम कर लेना भाई कोई अब जैसे अपनी गाड़ी में हाइट है ना इतनी हाइट पे कम से कम 3,000 रुपये लेते हैं अभी साबिर भाई गए हो साबिर भाई बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपये 1,500 रुपये लिया होगा शायद 1,000 रुपये दिया हुआ ना वो तो बिल्कुल ही लड़ाई कर लिया ना जब 1,000 रुपये मानो बड़ी मुश्किल से लगा 2,000 रुपये 2,000 जैसे इनका बाप रखो कमा के तो
ऊपर से इनका नया नया कानून हराम करन का। तो कोई नया यार धुंध में भाई बहुत ही होशियारी से चलो भाई, जब भाई चलानी मान लो तो देख रहा तो हम गाड़ी चला रहे, नहीं हमें देखता नहीं ना तो फिर हम गाड़ी नहीं चलाते। इसलिए भाई मजबूरी हो कच्चा माल हो तो घनी इमरजेंसी हो वो भी इतनी चलाओ कि जो कि बस हाँ भाई हम देख रहा और हम चला सकें, नहीं जिंदगी रही यहाँ हम भाड़ा बहुत मिल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए तो भाई हाथ पे हम टूट जाएं, कोई भी ना दे भाई कमा के नहीं, ना कोई भाई दे ना कोई यार दोस्त दे, ऐसे ही है बस। या कुमार भाई सब अपना होशियारी से चलाया करो गाड़ी भाई, अपना तो यही कहना भाई, ऊपर से नियम के सभी विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहें नहीं तो लागू होगा तो सबके सब मारे जाएंगे भाई ये। तो चलो भाई हम करते हैं अभी इस रोड को पार, मुरैना तक चलाऊँ जहाँ तक मैं गाड़ी, एक 11:30 बज गए 12-1 बजे तक मैं चलाऊँगा फिर हर बात चलाएगा गाड़ी, इसलिए तो चलो चलते हैं इनके साथ साथ। तो भाई रात के बज गए हैं 3 और हम पहुँच गए हैं इधर घाटी गाँव वाले टोल टैक्स पर, और भैया बहने लग गए नींद के अब यहाँ थोड़ी धुंध हो गई है कम, पहले तो बहुत ज़्यादा धुंध थी है पर अभी थोड़ी कम है, ये चाय पी ले फिर चलेगा और पाँच गाड़ी लेकिन चलो पीते हैं चाय। चाय पी के अपने आ गए गाड़ी में और हर बात बाइक की टूटी ठीक है। 3 बजे इलाज कहाँ कर रहा हूँ कम्बल वम्बल सब ढक रखा क्योंकि यार हमने गाड़ी कवर ना लगा रखो ना, सो पे कवर लगाएंगे कि ऊपर से धोती लेनी एक सुबह नहीं तो सो पे स्क्रैच हो जाए कवर धांस वालों या वजह से, तो यार ख़राब कर दिए ना तो धोती लगेंगे नहीं तो धोती लगने के बाद फिर तो ये हमारे रिजाई विजाई कुछ ओढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ना रहेगी। तो कोई ना बर्बाद भाई चलाए गाड़ी हम सोएंगे जब तक के लिए गुड नाइट, सुबह गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस पहुंच गए थे सारंगपुर और ये 0058 अपने भाई की एक NTC वाली गाड़ी 6054 और देख रियान जा रहा अकेला रखे ये अकेला जा रहा, अब ये चल जाएंगे सबके सत्संग क्योंकि दोनों गाड़ी एक गाड़ी 10 ये है दिल्ली वो परली वाली अपनी परली वाली फरीदाबाद, तो चलते संग इनको जाने दो आगे से अपने 11:00 अब निकलते हैं हम उसके बाद मिलेंगे आपसे, निकलते हैं अब चलते हैं होटल पे उधर खाएंगे नहाएंगे। पहुंच गए अब नन्नू के होटल पे, नन्नू के होटल पे अपन गाड़ी की नहलाई धुलाई कर रहे हैं अपना, अंगूर हम भी हाथों के फ्रेश हो चुके हैं और इधर देखो एक नंग आ चुका अंगूर भर के गर्मी लग रही है नहा लो भग रहा है ये अपनी 11:05 ये जाएगी फरीदाबाद और दिल्ली फरीदाबाद साहिबबाद जाएगी शायद इनकी मंडी है अंगूर की, हम भी जाएंगे अंगूर भरने जा ही रहे हैं लाएंगे अंगूर अंगूर भर के तो खाना वाना खाते निकलते फिर यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल चुके हैं इधर, चलो करते हैं इनसे एक बार मुलाकात। तो ये आ गए भाई अपने और सुना भाई हम भी जा रहे नासिक जा रहे थे यार अच्छा डिपो से इधर चलते हैं ना तुम्हारी गाड़ी ये रे भाई गाड़ी भाई संग चलेंगे अब इंदौर तक संग में तो उसके बाद आगे मिलते हैं दोबारा मिलने के बाद ना तो विशाल भाई जा रही है और विशाल भाई का ट्रक आ रहा है उधर ये देखो आने दो इसको एक बार इनसे करते हैं मुलाकात लिया जल्दी लिया यानी भाई को दादी भाई रोक लिया वही अब चलते हैं इनके पास उधर चल के नहीं उधर कौन किया कि गाड़ी तो आ ना रही जब पैदल पैदल आ रहा विशाल भाई गाड़ी में देखो ऊपर मूंछ को 15 देख
वहाँ में वो लगा रखे लाइट, बताओ हमें नीचे से तार जा रहा है ऊपर जाकर लाइट बन रही है, ये कल ही नहीं क्यों गाड़ी वायरिंग शॉर्ट करने के चक्कर में। तो भैया 10 साल से सजा धरी ना लग रहा बिल्कुल भी। नहीं भगड़े लगे पुलिस वाला। ये भैया टेम्पो ये देख ये चढ़ता सॉकेट निकालने आए। हाँ भाई कुंदन ड्राइवर, ये कुंदन ड्राइवर मारा लाइट नोर में। पुलिस वालों इतने हराम खोर हैं कि यहाँ राउ चौराहे पे ना यहाँ पे 500 रुपये का चालान कर रहे हैं। चलान भी लेकर खाली एंट्री ले रहे हैं खाली वैसे बिना फालतू में। बैठे हैं विशाल भाई गाड़ी में और ये देखो विशाल भाई ये आगे बंगलो पुल भर रहा को यानी ठोक पीट के नहीं। ये देख चप्पल जूता चश्मा ग्रेट आधी ग्रेट ऊपर आधी नीचे और इधर अपना धकोड़ा। ये चेक करो कितना वोट आ गया। साल भाई को धक्का मार के हम आ गए इधर गुजराती होटल पे। कौन सी है अपना इन रूम ये होटल पर इधर अपने आ गए भाई साहब अजरुद्दीन। यार ब्याह में तुम गए ना बा बहु अकेले अकेले लिया यार हमने लियो ना बताया 10 रुपया का मारनो कर था 10 रुपया लिया हौसल। तो भाई हौसल लेकर आया ना यार मतलब हमने लियो ना आई तो अब दोबारा जाएंगे कभी अगली बार ब्याह होगा जैसे तो फिर हम एक ब्याह में चलेंगे दूसरों करवाऊंगा मैं दूसरों। अब हम अपना हम भी ना ले जाए अपना ब्याह में ऐसी बात ना हमारा ब्याह होगा गलती से जब तो हम भी ना ले जा सकते 10 रुपया अब 10 रुपये चलाएंगे सर उस पर मैं दूसरे करवाऊंगा बुलाएंगे यार वो हम यहाँ में ना आए तो अगला चक्कर इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर ऐसा करेंगे दोबारा हम मुलाकात क्योंकि इन गाड़ी पर छेड़ खड़ी प्याज भर के नहीं कहा दिल्ली भर रहा नवेड़ा तीन गाड़ी नवेड़ा हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हो हम पीपड़ गाँव तब चलेंगे भाई करेंगे दोबारा मुलाकात आज बहुत दिन तमन्ना यार मिलना थी तो आज तल्लान मिला ही दिया ऐसे धीरे धीरे सब भाई मिलेंगे। बाकी ये और गाड़ी भी अपनी दोस्त हैं ये भी खड़ी अपने संग ही चलेंगे शायद पर अपना जहाज तो खड़ा ही है भाई ये आज ये जहाज ने इतना दुखी कर लिया तीन पुलिस उड़ान की ना इस होगी सटेटी ठीक है। आज MP में जिंदगी में पहली बार हमने आज पुलिस खर्च देखो जिंदगी में पहली बार नहीं इतना खर्चों कभी ना देखें कि जो यहाँ में हो गए तो कोई ना MP में वो बड़ा बड़ा चोर हो चुका है आजकल तो एक वजह सब चल रहे हैं सुबह अब तो MP में भाई रात रात हम गाड़ी चलानी पड़क रहेगी तो कोई ना एक हमारा निकले महाराष्ट्र बॉर्डर भी करेंगे पार अब हम सोएंगे हर बार चलाएगा गाड़ी पोषण गायब अभी देख पोषण देख उधर चला गया उधर उस सामान देखने के लिए गया तो आने तो पोषण को फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस तो गाइस हम पहुंच गए अपने ठिकाने पर ये देखो अपना ऑफिस इधर यहाँ पे मतलब ये तो पूरा बंजर है ऑफिस तो बाकी पीछे इधर काफी गाड़ियाँ खड़ी उधर तक और भाई अपनी जो पार्टी वाला अखलाक भाई वो अभी आए नहीं है इसलिए हमको गाड़ी उतारनी पड़ेगी इधर नीचे ऑफिस पे क्योंकि उनका गाला यहीं पीछे यहाँ से 1 किलोमीटर बाकी वो आएंगे 14-15 तारीख तक और अभी तो 9 तारीख हुई है 10 हो गई तो इसलिए हम गाड़ी बुक करते इधर खाली
तो चलो लगा दे गाड़ी को साइड में, तो फिर करते खोलते रास्ते तिरपाल, दिखाते खोलते रास्ते तिरपाल इसके, ये करेंगे सब खाली। क्या हो रहा, देख पूरे ऑफिस पे बंजर हुआ पड़ा, पेड़ पेड़ उग रहे। अब गाड़ी चल चल के नहीं सब खत्म हो जाएंगे यहाँ से। तो भाई वहाँ से निकल के हम आ गए यहाँ वणी में। वणी में अपने पेंटर, ये देखो ये अपना पेंटर, इसको भी नींद आ रही है। बाकी यहाँ के सब गाड़ी अपनी खड़ी है बाहर ही, क्योंकि अब नहाधो का अपन फ्रेश हो चुके हैं, क्योंकि कल अपनी गाड़ी खाली हुई थी ना, आज भरी है। भी लोग अपन कल एंड करा नहीं, तो आज एंड करा। अपने दोनों तीन तीन कैंटर इधर खड़ी हैं, 90, 16, 20, 25, 98, 79। तो अभी इधर बुलेट राजा के इधर खड़े हैं, वहाँ पे सामने राहुल और प्रवेश गया वो अंकल के साथ में बाहर बगीचे में। तो भाई हेलो गाइस, ये देखो तब क्या कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स से। अरे हम तेल लगाना चाहते हैं वो गाड़ी के, गाड़ी तेल लगाना चाहता है, मतलब चलता है यार हम। तो कोई नहीं गाइस, इस व्लॉग को करते हैं इधर एंड। अगला व्लॉग भाई मैं कैसे बताऊं, इंशाल्लाह बहुत फाड़ वाला रहेगा, क्योंकि अंगूर लोड करने वाला आज अपनी गाड़ी, तो हम अभी प्रेजेंट में डलेगा व्लॉग, तो इसलिए हम अभी वणी में। तो जब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगले एक्सप्रेस व्लॉग में।